बच्चों, अपन पिछले टॉपिक में देखा कि पौधों में किस तरह से जनन होता है, परागण की प्रक्रिया, लैंगिक जनन, जिसमें कि पौधे के नर जनन अंग पुंकेसर एवं स्त्री जनन अंग जायांग भाग लेते हैं और इस तरह से बीज का निर्माण होता है। इसके पश्चात अपन देखें कि जंतुओं में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए वास्तव में दो जीवों का भाग लेना आवश्यक है। इसमें से एक है नर और एक है मादा, ठीक है, नर और मादा।